युवाओं के हित में, देश के भविष्य के हित में खड़े हैं। दुख की बात है कि ये तानाशाही सरकार एक ऑपोजिशन को, एक विपक्ष को अपने आवाज उठाने से भी रोकती है। इसका ये मतलब है कि वो डरते हैं, वो डरते हैं सच्चाई से, वो डरते हैं राहुल गांधी जी से, कांग्रेस के नेतृत्व से, प्रियंका गांधी जी से, और वो डरते हैं हर उस इंसान से जो उनकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं। आज देश के करोड़ों युवाओं जिनके मन में इच्छा थी कि वो फौज का, भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे, उन पे और उनके भविष्य पे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया है इस सरकार द्वारा। साथ ही साथ वो लाखों माताएं, बहनें जो आस लगा के बैठी है कि उनके भाई, उनके कोख से जन्मे बेटे देश के लिए अपना बलिदान दे, देश के फौज में भर्ती हो, आज उन माताओं के साथ, उन बहनों के उम्मीदों पे, उन माताओं के सपनों से खिलवाड़ करने का काम ये सरकार कर रही है। मैं इस मंच से केवल एक बात कहना चाहूंगी इस गूंगी बैरी सरकार से, और खास करके प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर से, अब रंगा बिल्ला वाले हथकंडे बंद कर दे। वो इस देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर भी है, कृपया करके राजधर्म निभाइए।